नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 3 करोड़ रुपए की कार दिखाने जा रहे हैं। जी हां, 3 करोड़ रुपए की एक ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। अब आप सोचिए कि बिना ड्राइवर के कोई कार कैसे चल सकती है, तो आप सही सुन रहे हैं। मैं आज आपको ऐसी ही कार दिखाने जा रहा हूं जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। और अब आप लोगों में ये उत्सुकता ज़रूर होगी कि ये जो 3 करोड़ रुपए की कार है, इसका एवरेज क्या होगा, इसके अंदर फीचर्स क्या है, ऐसा क्या है जो इसके 3 करोड़ रुपए लगते हैं, और ये कार कहाँ पर है। तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि इसका एवरेज क्या है, ये बिना ड्राइवर के कैसे चलती है, इसमें फीचर्स क्या है, ये कार किसकी है, कौन लेकर आए हैं, सारी की सारी बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाहर के वीडियो में आपको कार के दिखा रहा हूँ, बाहर से ये कार कैसी दिखती है और अंदर से कैसी दिखती है वो सारी चीज़ दिखाऊंगा। अब आप देखिए कार के फीचर्स अंदर से कैसे हैं, और आप लोग वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपको गाड़ी के अंदर के फीचर्स दिखाएंगे कि किस प्रकार से गाड़ी के अंदर के फीचर्स हैं। आप देखिए इस गाड़ी का गियर जो है वो बिल्कुल ही इस प्रकार से छोटा गियर है, और इसके अलावा अलग अलग फीचर्स हैं। पहले मैं आपको सीटें दिखाऊंगा, और अंदर जो भाई साहब बैठे हैं इन गाड़ी को चलाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनसे भी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको अंदर का सारा इंटीरियर दिखाऊंगा कि कितनी शानदार कम्फर्टेबल अंदर स्पेस है, बहुत शानदार जगह है, और ये अंदर सारा का सारा सिस्टम है और अंदर के फीचर्स। अच्छा, ये ऊपर वाला ये सिस्टम खुलता भी है, बिल्कुल देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये अंदर का पूरा सिस्टम है जो है वो खुल जाता है, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अंदर से खुल जाता है। वाकई में अब मैं आपको अंदर से पहले स्टार्ट फीचर्स करूँगा। इस तरफ जो है वो गेट के अंदर इस प्रकार के बाहर का गेट लॉक करना है या बंद रखना है, ये सिस्टम अंदर रखा रखे हैं। ये जो मिरर हैं ऊपर अप डाउन करने के लिए, और ये स्टैंड है हाथ में पकड़ने गाड़ी को पकड़ के बैठने के लिए, और ये अंदर जो डिक्की स्पेस कुछ सामान रखने के लिए, और ये अंदर के फीचर्स देखिए, मोबाइल कनेक्ट होता है सारा सब कुछ, और ये सारे सारे ये टेम्परेचर एयर कंडीशनर का ऑटो रीसेट, टेम्परेचर ऑन ऑफ गियर। अच्छा, ये गियर है, ये अंदर का सारा बॉटल्स रखने के लिए, और ये स्टीयरिंग के फीचर्स देखिए। स्पीड क्या 250 होती है मैक्सिमम? 300 की स्पीड से चलती है। अच्छा, अब ये आप मुझे बताओ क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है, गांव आंटा है। शैतान सिंह जी आंटा जी, तो ये जोगेंद्र सिंह जी की गाड़ी है जी, तो चौहान साहब की गाड़ी है, मैं उनकी गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, तो ये कितने करोड़ की गाड़ी है? ये 2.5 करोड़ की है। हाँ। जैसे तो इन्होंने खुद ने चॉइस करके लिए, जैसे व्हील है, सीटें हैं। हाँ। इसमें काफ़ी सिस्टम चेंज कराया। हाँ। ऑर्डर पे तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, 3-3.5 करोड़ रुपये की होगी लगभग। अच्छा, तो इसमें स्टार्ट ये कैसे, ऑटोमेटिक स्टार्ट है? ऑटोमेटिक स्टार्ट स्विच, स्विच दिया हुआ, चाबी अलग जेब में आप रख सकते हैं। और बहुत ही प्यारी चाबी दी है गाड़ी के। अच्छा, सेफ की। अच्छा, ये चाबी दी है गाड़ी के सेफ की, जैसी गाड़ी होती है वैसी चाबी है। अच्छा, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं? जो पहले थी, मैंने एक चलाई थी लीला राम जी इंद्री वालों की 2011 में, उसमें एक पीछे स्टेपनी ओपन था बाहर, इसमें बेबी टायर दे दिया जो अंदर दे दिया, बाकी एक स्क्रीन बहुत बड़ा दिया, और कैमरे में बहुत क्लियरिटी दे दी, बैक कैमरा। हाँ, स्टार्ट बैक में इसमें 5 कैमरे है, जैसे एक पर एक गिलास पे है, 2 साइड मिरर पे, एक फ्रंट में नीचे जाली में, और एक 5 कैमरे दे दी पूरी गाड़ी में, आगे साइडों में सब तरफ बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कैमरा कैसे, अगर कैमरा आप भीड़ में डालोगे तो अपने आप कैमरा आएगा, बहुत ही क्लियरिटी बताती है, 1 किलोमीटर के आसपास रेंज है। ओके, ये कैमरा इसका मतलब सबसे खास बात है, आगे का नीचे का बता रहा है, आगे का तो 1 किलोमीटर रेंज है इसका। अच्छा, और काफ़ी सिस्टम दिए अब इसको निकाल दो। हाँ, और गियर कितने लगते हैं इसमें? गियर टोटल 8 गियर है और एक गियर है। हाँ, 9 गियर है। हाई स्पीड क्या है इसकी, स्पीड कितनी होती है? स्पीड 300 चढ़ जाएगी, हाई पावर इसका इंजन है, इस वजह से जितना लिखा उतना चढ़ जाता है। अच्छा, बाकी गाड़ियों में ये सिस्टम रहता है। उसका एवरेज क्या रहता है? एवरेज तो आप मान लो स्पीड के ऊपर, जैसे फ्यूल पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल भी आता है 97, 95, 98 ऑक्टल आता है, जो जायजो में काम आता है, वैसे वो आता है, इसमें ये नॉर्मल पेट्रोल काम नहीं करेगा। तो इसमें आप कहाँ से फ्यूल भरवाते हैं? यहाँ पे मिलता भी नहीं है बाड़मेर में। हाँ। तो स्पीड वाला भराते हैं।
एक्स्ट्रा स्पीड वाला। अच्छा पावर वाला। पावर वाला कोई। अच्छा है नहीं, पेट्रोल नहीं। जयपुर में मिला था और दिल्ली में या अहमदाबाद में, बाकी तो बड़ी सिटी बिना तो है। एवरेज क्या रहता है उसका? 4 का, 5 का और 6 का। 4 स्पीड है ऊपर। अच्छा वो पेट्रोल तो महंगा आता होगा। महंगा वो तो 10-15 रुपए ज्यादा ही रहेगा इसमें। अच्छा जो इसका आता है, जो हवाई जहाज में आता है वो? जी जी। अच्छा और मेन चीज तो इसका पावर है, चलाने वाला का बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, तो अभी साइड बैठने वाला डरेगा ज्यादा। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत ही अल्टीमेट, क्या इसका नाम पूरा बताएंगे? पोर्शे कैन। पोर्श कंपनी का नाम है, कैन इस मॉडल का नाम है। पोर्श कैन है जी। पोर्श कैन ये गाड़ी का नाम है, पोर्श कैन। अच्छा ये क्या, ये वाइपर के और इंडिकेटर के? ये लाइट वाइपर सब इसमें दिया और इधर वाइपर इधर दे दिया। और ये क्रूज कंट्रोल बोलते हैं आपको, ऑटो ड्राइविंग बोलते, कुछ एक्सीलेटर कुछ नहीं दबाना, अपने आप भागती रहेगी। अच्छा ये ऐसा, इसमें ऐसा भी सिस्टम है? सिस्टम है। कैसे क्या वैसे स्टीयरिंग पकड़ना नहीं है? कुछ भी नहीं करना आपको। आप क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, अपने आप कैमरे के जरिए भागती रहेगी। आपको लग रहा है कि भाई कुछ रुके न रुके तो आप ब्रेक भी पेड़ दोगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपने ऐसा कभी किया, चलाया? मैं चलाता हूँ कभी कभी। अच्छा ऑटो कंट्रोल में चलाते हैं, ऑटो कंट्रोल। हाँ अरे वाह। तो फिर उसमें वो कितनी स्पीड में आपको लिखना होता है? फिक्स कर दो, 250, 150, 300 जो भी आपको फिक्स करना हो। सामने वो गाड़ी और अगर वो तो कंट्रोल करते रहे, ओवरटेक करना हो तो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना। अच्छा मैं करता हूँ, ये डरते हैं तो मना कर देते हैं। अच्छा गड्ढा होता है तो कहीं सड़क में गड्ढा आ गया तो कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिक? लेवल में दिखेगा नहीं तो नहीं करेगी, अब ब्रेकर आ रहा है, लाइन है ऊपर तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा वाह। जो आरटीओ का सिस्टम रहता है ना वो होना जरूरी सामने, इसके लिए सड़कें भी वैसी चाहिए, इस टाइप की चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलो धन्यवाद।